प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। राहुल गांधी को? अच्छा जी, यहाँ तो क्लियर राहुल गांधी दिख रहे हैं। 90% की वोट कांग्रेस को जाती है। कुछ लोग हैं जो 8-10% 12% है जो बीजेपी को भी वोट देते हैं। हर जालिम से जो टकरा जाए ऐसी आंधी चाहिए, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी चाहिए। नमस्कार, इस वक्त हम हैं रायबरेली की हरचंदपुरा सीट पर और यहाँ पर हम आए हैं था लेने के लिए चुनावी कि आखिर यहाँ पर माहौल क्या है। तो था भी लेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर कौन कितने पानी में है, यहाँ की जनता का मूड क्या है। अभी तो हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं, कहे कि माहौल देखने से पहले थोड़ा कुएं का पानी भी देख लिया जाए कि कैसा है। वाह भाई, ज़बरदस्त ठंडा पानी है और यहाँ पर जो है पानी तो ठंडा है लेकिन माहौल कैसा है, चुनावी माहौल गर्म है कि नहीं है वो जानेंगे। यहाँ पर एक पान की गुमटी है, सब भैया दादा लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? यहाँ बैठ जाए आपके बगल में। क्या हाल भाई, तो बताइए पहले। बैठिए 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 बैठिए, पान लगाते हैं पान। जी जी जी, पान लगाते हैं। आपकी बार चूना किसको लगाने वाले हैं ये बताइए। चूना किसको लगाएंगे? हाँ, हम लोग तो कांग्रेस के साथ में, अब चूना किसको लगेगा ये? अच्छा, तो कांग्रेस के साथ में। जी जी जी। ओहो, क्या बात है। अच्छा तो आपकी बार मतलब क्या माहौल क्या देख रहे हैं, एकदम क्लियर राहुल गांधी? जी जी, यहाँ तो क्लियर राहुल गांधी दिख रहे हैं। इतने साल से आप लोग रायबरेली में सोनिया गांधी को जिताते हुए आए हैं, अब की बार भी क्या कुछ बदलाव होगा या फिर जो है वो बढ़िया है? हमारे रायबरेली जिला और अमेठी के मेन दाताकार हैं कांग्रेस। हाँ। और इस बार राहुल गांधी कम से कम 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं? तनी जगह। अच्छा, जनता की एक खासियत है भैया, पूछिए क्या। तनी आप यहाँ बैठिए, दादा थोड़ा खिसको, इतनी दूर से आए बैठे की जगह नहीं देंगे क्या? इधर आइए, बैठिए। जनता की खासियत है, कहती कुछ है करती कुछ है। हाथ में चूना पकड़े, जरा दिखा दे। पान खा रखे हैं। हाँ। चूना हाथ में है। हाँ, जनता ही चूना लगाती है चुनाव के समय। हाँ, पर सबसे ज्यादा जनता ही चूना लगाती है और जनता ही पान भी खिलाती है। हाँ। तो हमारा जो रायबरेली क्षेत्र है, इसके आज से नहीं, यहाँ तक हमारी पैदाइश से पहले का मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक हमारे कांग्रेस ही जीती है और कांग्रेस का ही राज चलता है। और कांग्रेस ने हमारे यहाँ बहुत कुछ दिया है। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये जो आप सब जिला अस्पताल देख रहे हैं, जो हमारे वहाँ एम्स बना हुआ है मुंशीगंज में, ये सब पानी तो हम कुइयां से भरे हैं। अभी रास्ते में तो हमको कुइयां दिखी है। ये कुआं आज का नहीं है, 100 साल पहले का है। अच्छा, अच्छा। और ये कुआं बंद करने जा रहे थे लेकिन लोगों गांव वालों ने बंद करने नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि तो पानी का और बंदोबस्त है, बहुत बंदोबस्त है। देखिए, सरकारी नल एक वहाँ भी लगा हुआ है, एक स्कूल में लगा हुआ है और एक हमारे यहाँ, हमने खुद 20,000 खर्चा करके अपने हाथों से गड़वाया हमारे गांव की जनता के लिए। आने वाले इलेक्शन में हमको भी चुनाव लड़ना है। अच्छा, तो आप कौन से चुनाव लड़ते हैं भैया? हम गांव के प्रधानी का लड़ते हैं, गांव ग्राम सभा का। अच्छा। और हम ज्यादातर यहाँ जी, आपका गाँव ये कौन सा लगता है? हमारा गाँव कठवारा है, जिला रायबरेली, विधानसभा हरचंदपुर है, थाना हरचंदपुर है, पोस्ट कठवारा है। हमारा नाम मोहम्मद नसीम रैनी है और हम ज्यादातर गुजरात में रहते हैं। अच्छा। हम 30-32 साल से गुजरात में रहते हैं। मोदी जी वाले गुजरात में? जी हाँ, मोदी जी वाले गुजरात में रहते हैं। हाँ। लेकिन हम मोदी को कभी वोट नहीं देते। अच्छा। और क्यों नहीं देते? नहीं देते हैं क्योंकि जो राजनीति है थोड़ी सी अलग है। हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, गाय गोबर, मूत और दूध, ये चीज होती है, विकास का कोई काम होता नहीं है। हम लोग उनको कभी वोट नहीं करते हैं। अच्छा। और हमारे गांव में कम से कम बता रहा हूँ, 90% लोग उनको वोट नहीं करते हैं। अच्छा। 90% की वोट कांग्रेस को जाती है। कुछ लोग हैं जो 8-10% 12% है जो बीजेपी को भी वोट देते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है दादा? रामनाथ मौर्य। बोलोगे भाई? रामनाथ मौर्य। रामनाथ मौर्य, मौर्य जी आपकी किसको जिता रहे? अच्छा, अरे हम तो कांग्रेसी हैं, पुराने भाई कांग्रेस को जिताते हैं हमेशा। अच्छा अच्छा, क्यों कांग्रेसी हैं? अरे भाई, भाजपा वाले, कांग्रेस भाजपा से कौन लड़ रहा है यहाँ पे? क्या नाम है? रामनाथ मौर्य, बता दो। नहीं नहीं, भाजपा से कौन लड़ रहा है पूछ रहे हैं? नहीं, भाजपा तो यहाँ लड़ रहे हैं दिनेश प्रताप। दिनेश प्रताप सिंह, कैसा उनका माहौल? है तो माहौल ठीक है लेकिन वो जीतेंगे तो नहीं? राहुल के आगे? नहीं नहीं, राहुल के आगे नहीं जीतेंगे।
पता ही। तो हम तो राहुल गांधी को देंगे। अच्छा, कारण बताइए, क्या कारण है? अच्छे नेता है, गांधी परिवार से है। सुनिए, गांधी पर आराम से बैठिए, तनिक आराम से बैठिए। गांधी परिवार से है, ये कारण है कि राहुल गांधी काम बढ़िया करते हैं, ये कारण। वीआईपी लीडर है, जो बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। आइए भैया। हाँ हाँ, ठीक, अच्छा बोलते हैं। अच्छा, चलिए, इतने साल कांग्रेस को देखा तो भरोसा है कांग्रेस? हाँ हाँ। मोदी जी पर नहीं है क्या? नहीं, मोदी का कोई काम ठीक नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। राहुल गांधी को? अच्छा, है तो कुछ नहीं किया इन्होंने, तो रैली के अंदर लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, एक भी पैसे काम नहीं किया। दिनेश प्रताप सिंह कैसे आदमी है भैया? दिनेश प्रताप सिंह अच्छे आदमी है, ठीक है, ठीक है, आदमी ठीक है। हाँ, लेकिन जीतबे ना करें? ना जीतेंगे, नहीं, राहुल जी नहीं जीतेंगे। और भैया नमस्ते, इधर आओ जरा, क्या कैसे हैं ये बताइए? यही लोकल, हरचंदपुरा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गांव कटवाड़ा? आपको फॉलो करते हैं? अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हम भी फॉलो करते हैं। हमारे जैसे लोग सभी फॉलो करते हैं। मैं आपसे पहली बार मुलाकात किया था गुजरात बड़ोदरा में, आपसे एक बार और हमारी मुलाकात हो चुकी है गुजरात बड़ोदरा में, आपसे हमारी मुलाकात हुई है। हम वहाँ, आप लोग बताओ, सब कह रहे हो हम आपको फॉलो करते हैं, हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, जो देख रहे हैं सब कहेंगे कि इकट्ठा कर लिए होंगे बुला बुला करके फोन पे। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये आउट एरिया है, ये आउट एरिया, यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लग रहा है आपकी यहाँ से, क्या माहौल है? देखिए, यहाँ पे तो हमेशा से कांग्रेस ही जीतती आई है, पर अब माहौल के हिसाब से है, अब सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लोकल का बंदा है दिनेश प्रताप सिंह, एक बार मौका देके देखा जाए। आपके दिनेश प्रताप सिंह को मौका देकर देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई नाराजगी है क्या, कांग्रेस ने कुछ गड़बड़ की? कोई नाराजगी नहीं है, बाहरी है, एक लोकल का बंदा है हमारे। बाहरी कौन है? बाहरी कौन है? राहुल गांधी बाहरी है? अच्छा, बिल्कुल बाहरी है। अभी तक अमेठी से चुनाव लड़ते थे, पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। 2004 से लेकर आप 2024 चल रहा है भैया, सोनिया गांधी को देखा आपने, है उन्होंने क्या किया आपके रायबरेली? नहीं किया, बिल्कुल किया, का जो भी देन है यहाँ पे कांग्रेस की ही देन है। हाँ। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे लोकल का जब एक नेता है जो हमारे क्षेत्र के लिए विकास कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि वही इस बार चुन के लोकसभा जाए। अच्छा। तो यहाँ के लोकल की सोच यही रहेगी अब इस बार। अच्छा। कह रहे राहुल गांधी बाहर के आदमी, तनिक पास आ जाइए, चश्मा बहुत बढ़िया आपका। कह रहे राहुल गांधी बाहर के आदमी है, दिनेश प्रताप सिंह लोकल आदमी है। सही बोले भैया जो बोले, बिल्कुल सही बात। आपके दिनेश प्रताप सिंह की तरफ आप लोगों का भरोसा जा रहा है? वोट राष्ट्रहित में पड़ेगी, वोट इस बार जो वोट पड़ेगा राष्ट्रहित में वोट पड़ेगा। तो राहुल गांधी के नाम पर जो वोट जाएगा कांग्रेस के नाम पर, वो राष्ट्रहित में नहीं होगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, एक पैसे काम नहीं रायबरेली में इनका, एक पैसे का। देखिए, नफरत की दुकान बंद होगी और मोहब्बत की दुकान खुलेगी, समझ गए हो ना? भले राष्ट्रहित सिंह यहाँ के रहने वाले, हमारे गाँव से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन उनका हमारे रायबरेली क्षेत्र में कोई कार्य नहीं है, ठीक है, जो भी किया है कांग्रेस ने किया है। दादा, आप पानी खींच रहे थे, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस। अच्छा, चलिए, परमानेंट। अच्छा चलिए, आज माहौल जान रहे हैं। और अभी तो हमने जो है, दादा ने दुकान कर ली है बंद, हमने हाथ में ले लिया है पान, कहे कि शुरुआत कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि शुरुआत कुछ शुभ चीज के साथ किया जाए, हम भी खा लेते हैं पान और आगे देखते हैं कि माहौल क्या है, जनता का मूड क्या है। वाह, पान बहुत बढ़िया है, पान बहुत बढ़िया बनाया भैया, धन्यवाद, चलते हैं।